आप देख रहे हैं हिंद टीवी न्यूज और आज हम मौजूद हैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद क्षेत्र में, जहां पर ये भारतीय जनता पार्टी के मेयर के चुनाव को लेकर यहां पर एमएलए जनाब हाजी यूनुस जी ने एक धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली। देखें लोकतंत्र करो। मौजूद है यहाँ पर आम आदमी पार्टी की कार्यालय एमएलए साहब हाजी यूनुस के यहाँ, जो आज जुलूस निकला था उसके बारे में जानकारी करते हैं कि किस मामले को लेकर ये जुलूस रैली निकाली गई थी। आप सामने बैठे हुए हैं हाजी जी, आम आदमी पार्टी के कार्यालय में हमारे एमएलए हाजी यूनुस साहब बैठे हुए हैं। आज जैसे रैली निकली थी उसके बारे में जानकारी करते हैं कि आज की रैली का क्या मामला था जी। देखिए, आप लोग सभी जानते हैं जिस तरह से दिल्ली की जनता ने 15 साल के बीजेपी के कुशासन को एमसीडी में ख़त्म करके रख दिया और आम आदमी पार्टी को जनादेश दिया दिल्ली की जनता ने, जिससे एमसीडी के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहे थे, दिल्ली जो गंदगी का ढेर बनी हुई थी उसको, उस गंदगी से आज़ाद कराया जाए, दूर कराया जाए। और दिल्ली की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी को चुना, लेकिन हमारी केंद्र की सरकार और दिल्ली में इनके एक जो एलजी साहब बैठे हुए हैं विनय सक्सेना जी, इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी, संविधान की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ये दिल्ली में मेयर का चुनाव नहीं कराना चाह रहे, जिससे दिल्ली की आवाम, दिल्ली की जनता परेशान है। बीच बीच में भी विवाद हुआ था, आप गए थे वहाँ पर जी। बीच बीच में ये विवाद बराबर मुसलसल चल रहा है। एलजी साहब इस वक्त जो है भाजपा के प्रवक्ता बनकर काम कर रहे हैं, ना कि दिल्ली की जनता के लिए। ये एक तरह से आपने सुना होगा कि जिस तरह से अंग्रेज़ों के टाइम में वायसराय हुआ करते थे, ये अंग्रेज़ों के, ये भाजपा के वायसराय, अंग्रेज़ों के वायसराय बनकर दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं। और दिल्ली की जनता इसके लिए इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। इन्होंने बिल्कुल कानून की, संविधान की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, सबके फैसले को दरकिनार करते हुए ये बीजेपी के प्रवक्ता के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं और मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे। दिल्ली की जनता जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी का मेयर देखना चाहती है, जिससे एमसीडी के काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए और दिल्ली की जनता को दिल्ली की गंदगी से और ये जो भ्रष्टाचार मकानों पर और दुकानों पर, हर चीज़ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उगाही हो रही है, ये बंद हो सके जी। हाँ जी, एक बात और पूछना चाहूँगा कि आखिर जितनी जीत आम आदमी पार्टी ने हासिल की उसके साफ तौर होता है कि मेयर आम आदमी पार्टी का ही होना चाहिए, फिर बीच में किस तरह की प्रावधान डाल रहे हैं ये लोग? देखिए, मेयर तो आम आदमी पार्टी का ही बनेगा जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जनता ने 135 सीटें दी हैं जी, और जो एमएलए और एमपी मिलाकर आम आदमी के पास इस वक्त 151 वोट हो रहे हैं और भाजपा के 104 और इनके सांसद मिला देते हैं। कितना 104 और 151 में कितना बड़ा डिफरेंस है, ये तो इन्हें सोचना भी नहीं चाहिए। बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन भाजपा जो हर स्टेट में करती है, जो इनका एक आपने सुना होगा कि ऑपरेशन लोटस, वही भाजपा दिल्ली के अंदर का ऑपरेशन लोटस को करने की कोशिश कर रही है। इसने कांग्रेस के पार्षदों को तो खरीद लिया है जी, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के पार्षद नहीं खरीद सकती कभी भी और ना खरीद पा रही है। ये वो रास्ता ढूंढ रही है कि किस तरह से ये अपना मेयर बना सके।
जिस तरह से ये दूसरे प्रदेशों में इसीलिए लंबी ये तारीख खींच रहे हैं, इसीलिए ये तारीख खींच रहे हैं। ये इस तरह का कोई गैर कानूनी रास्ता जबरन ये अपना मेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के पार्षद बिक सकते हैं लेकिन आम आदमी के पार्षद कभी नहीं बिक सकते। आपने देखा होगा इन्होंने कांग्रेस की जो निगम पार्षद जिन्होंने शपथ भी नहीं ली थी उन्हें हज कमेटी का मेंबर बना दिया और यहाँ तक सिर्फ ओहदा ही नहीं दिया। आखिर क्या वजह रही कि हज कमेटी का सदस्य बना, इन्होंने हज कमेटी का मेंबर इसलिए बनाया शपथ लेने से पहले गैर कानूनी तरीके से कि एक तो इन्हें ओहदे का लालच दिया, दूसरे सुना है कि एक एक करोड़ रुपया भी इनको मिला है, इनके आकाओं ने कितना लिया होगा ये पता नहीं। इनको सदन से वॉकआउट करने का पैसा दिया गया है, जिस तरह से आपने देखा पीछे चंडीगढ़ में कांग्रेस के पार्षदों ने वॉकआउट करा और जिसकी वजह से एक वोट से बीजेपी का मेयर वहां पर बन गया। तो हाजी जी आखिर ये चीज़ कब तक चलेगी, कब तक इस मामले का जो है संशोधन हो पाएगा? इसका संशोधन तो ये कल वोटिंग करा दें कल हो जाएगा। ये लोग वोटिंग से भाग ही इसलिए रहे हैं क्योंकि मेयर आम आदमी पार्टी का बनना है, इसलिए ये भाग रहे हैं वोटिंग से। और कांग्रेस वॉकआउट, हाजी जी पता इनको भी है कि मेयर आम आदमी का ही बनेगा? हाँ बिल्कुल पता है, लेकिन ये उसको रोकने की गैर कानूनी तरीके से हर तरह से गुंडागर्दी से उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कब तक करेंगे ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा क्योंकि जुल्म की टहनी जो है ना फलती नहीं और नाव कागज़ की चलती नहीं। तो आज की रैली कहाँ से कहाँ तक ये चली आपकी? आज की रैली हमने तीन वार्डों में निकाली, एक तो मुस्तफाबाद वार्ड, दूसरे दयालपुर वार्ड और तीसरे ईस्ट करावल नगर वार्ड। तो इससे क्या रेस्पॉन्स मिलेगा? इससे आवाम को जो दुखी है आप देख रहे हैं, आप अभी बाहर निकल के देखिए गलियों में जो कूड़े के अंबार ढेर लगे हुए हैं। जनता चाहती है जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी का मेयर बने और हमें इससे छुटकारा मिले और जो ये गैर कानूनी तरीके से जो उगाही कर रहे हैं इनकी ये उगाही बंद हो सके। आवाम गरीब लोगों पे आज छोटे से छोटा कोई 25 गज का मकान भी बनाता है तो एमसीडी वाले उस 25 गज के मकान पे 20-25 हज़ार रुपये लेते हैं, पुलिस भी उस पर पैसा लेती है। और आवाम को ये उम्मीद है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो इन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा, उनके खून पसीने की गाढ़े खून पसीने की कमाई बचेगी। जी अब दिल्ली की आवाम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? भाई दिल्ली की आवाम से तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि वो जिस तरह से उन्होंने आम आदमी पार्टी को एमसीडी में पूरा बहुमत देकर और भाजपा के 15 साल के शासन को ख़त्म करा है, तो दिल्ली की आवाम पूरे तौर से भाजपा से इस लड़ाई को लड़ने में हमारी मदद करे और सड़कों पर आए, जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी का मेयर बने। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कृपया लाइक व सब्सक्राइब।